नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की घोषणा की है। सीएमओ में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में पेपर लीक न हो, आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। इसी के साथ ही इन्होंने गैंगस्टर्स पर एक्शन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है। सीएम बनते ही उन्होंने बैक टू बैक दो बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया है। सीएम भजनलाल ने कहा कि अब किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का भी संकेत दिया है। भजनलाल ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र के आधार पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और अंतिम व्यक्ति को समर्थन देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जिस तरह का काम किया है, वैसा ही हम भी करेंगे। हमारी सरकार महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता होगी। सीएम भजनलाल ने बताया कि कानून व्यवस्था के सुधार और भ्रष्टाचार को खत्म करना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। शपथ के तुरंत बाद ही नए मुख्यमंत्री ने ये अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने इस फैसले के जरिए ये स्पष्ट कर दिया आगे उनका प्लान क्या रहने वाला है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।